इस फिल्म का नाम है मिराकल बीच। फिल्म की कहानी समुन्द्र किनारे बसे एक कस्बे से शुरू होती है। पूरी रात काम करने के बाद विल अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे फूल दिखते हैं और वो कुछ फूल खरीद लेता है। विल ने ये फूल अपने लवर के लिए खरीदे थे। वो आज काम से जल्दी आ गया था क्योंकि वो अपनी लवर को सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन वो जैसे ही घर में जाता है तो अपनी लवर को किसी और के साथ देखता है। उसकी लवर उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, मगर विल उसकी गलती माफ नहीं करता और वो उसे घर से निकाल देता है। बेचारा विल जिस गुफा को अपना समझ रहा था वो तो बेगाने डंडे के काम आ रही थी। अब कहानी को जिन लोग की तरफ लेकर चलते हैं। जिन लोग में बहुत सारे जिन रहते थे और सभी की अपनी अपनी ताकतें थी। आज जिन लोग का सरदार जीनी को बुलाता है। जीनी बेहद खूबसूरत और मस्त लड़की थी। सरदार उसे बुलाकर एक कागज देता है। उस कागज पर लिखा था कि जीनी को धरती पर जाना होगा। कुछ देर बाद जीनी सरदार से कहती है कि वो धरती पर जाना नहीं चाहती क्योंकि धरती के लोग बहुत ही बेवकूफ और लालची होते हैं। सरदार उसे समझाता है कि तुमने कभी किसी का भला नहीं किया, इसलिए तुम्हें धरती पर जाना ही होगा। इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि इंसान भले ही बेवकूफ और लालची होते हैं, इसीलिए तुम आराम से उनका भला कर सकती हो। वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ धन दौलत मांग सकते हैं और तुम उनकी ये इच्छा आसानी से पूरी कर सकती हो। अब जिन धरती पर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सरदार के जोर देने पर वो धरती पर आ जाती है और यहाँ आते ही वो एक चिराग में छुप जाती है। रात को विल अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में आता है। गोरे दोस्त का नाम नॉर्मन था जबकि दूसरे का नाम हैरी था। पार्टी में विल को एक सुंदर सी लड़की भी नजर आती है जिसे देखकर उसके डंडे ने सलामी दे दी थी। इस लड़की का नाम लीजा होता है। विल उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे दोस्ती करने की भी कोशिश करता है, मगर उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हो पाती। पार्टी में काफी दारू पीने के बाद विल बीच किनारे बैठा था। तब उसके पास बॉब नाम का एक आदमी बैठा था जो बीच से कचरा उठाता था। विल को नशे में देखकर बॉब अपनी बेटी से कचरा निकालने के लिए कहता है। जल्द ही वो कचरे से एक चिराग निकालकर विल को देता है और फिर वहां से चला जाता है। बॉब ने विल को एक चिराग दे दिया था, उसने कचरा समझकर वो समुन्द्र किनारे से उठा लिया था। नशे में विल चिराग को पकड़कर कहता है कि मैं दो दो लड़कियों के साथ सोना चाहता हूं। और इतना कहते ही वो वहीं पर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब विल की आँख खुल जाती है तो अपने साथ वो दो दो लड़कियों को देखकर हैरान होने लगता है। वो जल्दी जल्दी चिराग उठाकर भागता है और फिर एक दुकान में आ जाता है। उस दुकान में प्राचीन और रहस्यमय चीजें मिलती थी। दुकान के मालिक का नाम जॉनसन था। विल उससे पूछता है कि क्या चिराग और चिराग के जीन सच में होते हैं। इस पर जॉनसन उसे बताता है कि दुनिया में हर चीज मुमकिन है। जॉनसन की बात सुनकर विल एक पब्लिक बाथरूम में आता है। यहाँ पर आकर वो कई बार चिराग को फिर से रगड़ता है, लेकिन जब कुछ भी नहीं होता तो वो हल्का होने लगता है। इसी बीच जीनी उसके पास आकर उसे अपने बारे में बताने लगती है, लेकिन विल को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, जिस कारण जीनी उससे कहती है तुम कोई इच्छा मांगो। तभी विल कहता है कि मैं अपने कपड़े बदलना चाहता हूँ। अब उसकी बात सुनते ही जीन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। यह देखकर विल को पूरा यकीन हो गया था कि सामने खड़ी लड़की सच में जीनी है। थोड़ी देर बाद दोनों ही किनारे पर टहल रहे थे। जीनी सिर्फ विल को ही दिख रही थी, उसे कोई और देख नहीं सकता था। जल्द ही विल उसे अपने दोस्तों के पास ले आया, लेकिन जीनी उन्हें नजर नहीं आ रही थी। तब विल इच्छा मांगता है कि जीनी उन्हें भी नजर आए और उसकी यह इच्छा पूरी होती है। अब जीनी विल के दोस्तों को भी नजर आने लगी थी। जीनी को देखकर विल के दोस्त भी बहुत खुश हो गए थे और वो उससे बातें भी कर सकते थे। जल्द ही विल जीनी से अपने लिए एक क्लब मांगता है और जीनी उसे क्लब भी दे देती है। वो आलिशान क्लब देखकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। वो जब क्लब में आ जाते हैं तो उसकी खूबसूरती देखकर वो हैरान हो गए थे। जीनी विल की एक दो नहीं बल्कि कई इच्छाएं पूरी कर सकती थी। अपना क्लब देखते देखते विल की नजर कचरा उठा रहे बॉब पर पड़ती है। बॉब के कारण ही विल को वो चिराग मिला था। विल जीनी को अपने पास बुलाकर उससे कुछ पैसे मांगता है। जीनी उसकी यह भी इच्छा पूरी कर देती है और उसे पैसे दे देती है, जिसके बाद विल बॉब के पास जाकर कहता है मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी बदल गई है। मगर बॉब उससे पैसे नहीं लेता, उसे तो कोई अच्छा सा काम चाहिए था। उसकी बात सुनकर विल पहले उसे अपने क्लब में लाता है और फिर उसे जीनी के बारे में बताता है। विल के कहने पर जीनी बॉब को भी नजर आने लगी थी और अब विल ने बॉब को अपने क्लब का मैनेजर बना लिया था। थोड़ी देर बाद विल और उसके दोस्त टीवी देख रहे थे।
टीवी शो में एक ब्यूटी मुकाबले की बात चल रही थी। टीवी देखते देखते विल जीनी से कहता है कि तुम ये मुकाबला मेरे क्लब में करवा दो। विल की यह बात सुनकर जीनी उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है और कुछ देर बाद विल के क्लब में चहल पहल शुरू हो जाती है। देश विदेश की खूबसूरत लड़कियां विल के क्लब में आने लगी थी। लिजा भी इस मुकाबले में हिस्सा ले रही थी और विल उसका पूरा ख्याल रख रहा था। अगले दिन जीनी और विल किनारे पर टहल रहे थे। विल उसे बताता है कि मुझे लिजा बहुत अच्छी लगती है और मैं उसे हर हाल में पाना चाहता हूँ। विल चाहता था कि जीनी अपने जादू का इस्तेमाल करे और लिजा उसके लिए पागल हो जाए, मगर जीनी उसे समझाती है कि उसका जादू किसी का दिल नहीं बदल सकती। वो विल की हर इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन लिजा के दिल में विल के लिए प्यार नहीं जगा सकती। आखिर में जीनी फैसला करती है कि वो विल को ट्रेनिंग देगी ताकि विल लिजा का दिल जीत सके। इसके बाद दोनों साथ साथ खाना खाते हैं। खाना खाते खाते विल जो भी गलती कर रहा था, जीनी उसे ठीक कर रही थी। अब खाने के बाद दोनों नाचने लगे थे और जीनी नाचने में भी उसकी गलतियां ठीक कर रही थी। अगली ही रात विल के बुलाने पर लिजा उसके साथ खाना खाने आ जाती है। इसी दौरान दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। विल जब क्लब में आता है तो वो जीनी को सारी बातें बताता है। जीनी के ट्रेनिंग के कारण ही वो लिजा का दिल जीत पाया था। विल अब जीनी को अपनी अच्छी दोस्त मानने लगा था। इधर जीनी को भी विल का साथ अच्छा लगने लगा था और वो मन ही मन उससे चाहने लगी थी। अगले ही दिन लिजा विल के कमरे में थी। दोनों ही एक दूसरे का पानी निकालने वाले थे और यह बात जीनी को हजम नहीं हो रही थी। तब विल को रोकने के लिए जीनी उस पर जादू करती है। जादू के कारण विल को लिजा की जगह अलग अलग लोग दिखने लगे थे, जिस कारण वो घबरा गया और लिजा के साथ मजे नहीं कर पाया। अगले दिन विल जीनी पर बेहद गुस्सा था। उसे समझ आ गया था कि रात को जीनी ने जादू किया था और उसी कारण वो लिजा के साथ मजे नहीं कर पाया। इस बात पर जीनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग इसलिए दे दी थी कि तुम लिजा का दिल जीत कर उससे शादी कर सको, लेकिन तुम तो अपना पानी निकालने चले थे। विल उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो गुस्से में आकर कहता है, मुझे तुमसे नफरत हो गई है। मेरी इच्छा है कि तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। जीनी उसकी यह भी इच्छा पूरी कर देती है। इसके बाद विल वहाँ से चला जाता है। विल ने जीनी का दिल तोड़ दिया था। जल्द ही जीनी अपने चिराग में वापस आ गई थी क्योंकि उसने विल की इच्छा पूरी कर दी थी। विल चाहता था कि जीनी चली जाए और इसलिए जीनी अब चिराग में थी और वो आधी रात तक ही धरती पर रह सकती थी। देर रात तक लिजा और विल फिर से प्यार करने लगे। अब लिजा पानी निकालने के लिए पूरी तैयार थी, लेकिन विल का ध्यान जीनी में ही था। उसे जीनी के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। असल में उसे जीनी से प्यार हो गया था क्योंकि वो जीनी के साथ खुश रहता था। जीनी को याद करने के बाद वो लिजा को रोक देता है। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो बॉब उसे बताता है कि जीनी चिराग में है और वो आज रात तक ही धरती पर रुक सकती है। बॉब ये सब इसलिए जानता था क्योंकि जीनी ने जाने से पहले उसे सब बता दिया था। तब विल चिराग उठाकर जल्दी जल्दी जॉनसन की दुकान में आता है। वो जॉनसन को सारी बातें बता देता है कि उसे चिराग में जीनी मिली थी और मैंने गुस्से में आकर उसे जाने के लिए कह दिया था। तब जॉनसन पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब विल उसे बताता है कि मैं जीनी से माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही क्योंकि उसकी ताकत खत्म हो गई है। जॉनसन उसे समझाता है कि जीनी चिराग से बाहर नहीं आ सकती, लेकिन वो तुम्हारी बात जरूर सुन सकती है। अब विल जीनी से माफी मांगने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच जॉनसन उसे बताता है, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर किसी जीनी को इंसान से प्यार हो जाए तो उस जीनी की ताकत खत्म हो जाती है। उसने जो भी इच्छाएं पूरी की थी वो भी खत्म हो जाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो वो जीनी एक साधारण सी लड़की बन जाती है। विल के पास अब समय बहुत ही कम था। उसे पता था कि अगर उसने जीनी से माफी मांग कर अपने प्यार का इजहार किया तो उसके पास का सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर जल्द ही वो जीनी से माफी मांगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बेहद ही प्यार करता हूँ। उसकी यह बात सुनकर जीनी चिराग से बाहर आती है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।